थोड़ा ब्रीफ में बताइए छठी मैया के पूजन में क्या क्या होता है। ये मुख्यतः सूर्य भगवान की उपासना है और प्रकृति की पूजा है, और 4 दिनों का ये व्रत होता है। उसमें कि पहला दिन तो नहाने खाने का होता है, दूसरे दिन शाम को खीर का प्रसाद होता है, और उसके बाद फिर 36 घंटे का निर्जला होता है। उसमें कि पहला दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और दूसरे दिन फिर अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसमें मुख्यतः बात यह है कि हर चीज़ में प्रसाद बनाते समय बहुत अत्यधिक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इसमें गेहूँ जो व्रती होती है खुद चुनती हैं, खुद उसको धोती हैं, खुद सुखाती हैं और खुद पीसती भी। और हमारे यहाँ का तो परंपरा अभी भी चला आ रहा है कि आम की लकड़ी पे प्रसाद बनाते हैं, जैसे ये रखा हुआ है आम के चूल्हे पे। और पहले तो लोग गेहूँ भी पीसते थे अपने घर पे जो होता था जाता, लेकिन अब वो व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है, तो हमने ये खरीद लिया है जिसमें हम खुद घर में पीसते हैं सिर्फ पूजा के लिए, उसमें हम पीसते हैं। और मान्यता ये है कि आप जो भी चाहो छठी मैया सूर्य भगवान देते हैं। छठी मैया की जय।